राजस्थान में भीषण गर्मी और लू से मामूली राहत मिली है और कई जिलों में दिन के तापमान में हल्की सी कमी देखी गई है। हालांकि अभी तापमान बहुत ज़्यादा बना हुआ है। श्रीगंगानगर में सर्वाधिक 48.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि पिलानी में 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हनुमानगढ़ के संगरिया में 47.2, वहीं बीकानेर में 46.8 और फलौदी में 46.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। आमजन से लेकर बेजुबान जानवरों तक गर्मी की वजह से बहुत परेशान है। वहीं जयपुर में सबसे बड़ी हिंगोनिया गौशाला में हजारों गाय भीषण गर्मी से झुलस रही हैं। सैकड़ों गाय हीट वेव की चपेट में आ चुकी हैं। नगर निगम प्रशासन ने इसकी सुध लेते हुए यहाँ पानी का छिड़काव करना शुरू किया है। जरा आपको तस्वीरें दिखाते हैं। राजस्थान इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। इंसानों के साथ साथ बेजुबान जानवर भी गर्मी से बेहाल हैं। सबसे ज्यादा खराब हालत राजधानी जयपुर में है। यहाँ गायों के सबसे बड़े शेल्टर हिंगोनिया गौशाला में गर्मी की वजह से गायों की मौत में इजाफा होने लगा है। डेथ का इम्प्रूवमेंट है, जैसे इसमें 0.5% डेथ होती है, लेकिन हल्का सा इम्प्रूवमेंट हो जाता है। जब हीट वेव ज्यादा चलती है, डेथ की परसेंटेज हल्की सी बढ़ जाती है। सर, अगर नंबर्स की बात करें, रोजाना जितनी गायें मरती होंगी उनमें से हमारे टोटल गाय है हमारे पास 19,500, उनमें से 0.5% डेथ हो जाती है। 0.5 मतलब 40 से 50 गाय की डेथ हो जाती है। और इनमें से सर अगर हीट स्ट्रोक की बात करें तो हीट स्ट्रोक में 10 या 15 गाय और बढ़ जाती है। हिंगोनिया गौशाला मैनेजमेंट के मुताबिक रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से मवेशियों को बचाने के लिए शेड बनाए गए हैं। जिस तरीके से इस बार गर्मी बहुत भीषण पड़ रही है और तापमान भी सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, पिछले कई सालों के मुकाबले इस बार भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। और गायों के पास सुरक्षित स्थान यही है और सबसे जरूरी उनके पास शेड का होना है, ताकि वो थोड़ा छांव में बैठ सके। इसके अलावा स्प्रिंकलर सिस्टम से फॉगर और फायर की गाड़ी से इनके ऊपर थोड़ा छिड़काव किया जा रहा है, ताकि शेड पर मॉइस्चर मेंटेन रहे और हवा के अंदर थोड़ी बहुत राहत गायों को मिल सके। इसके अलावा भी यहां पर महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं। इनके चारे में भी काफी मात्रा में बढ़ोतरी की गई है। इस प्रकार से इस बार गर्मी बहुत ही भीषण पड़ रही है और तापमान भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है पिछले कई सालों के मुकाबले। तो एक तो गायों के लिए सुनिश्चित किया कि उनके पास शेड हो, कि वो थोड़ा छाँव में बैठ सके। उसके अलावा स्प्रिंकलर सिस्टम से, फॉगर से और फायर की गाड़ी से इनके ऊपर थोड़ा पानी का छिड़काव किया जा रहा है एरिया में, ताकि थोड़ा बहुत मॉइस्चर मेंटेन रहे हवा के अंदर, ताकि थोड़ी बहुत राहत गाय को उससे मिल सके। उसके अलावा सबसे अहम चीज़ हमने करी है कि इनके जो चारे में हमने हरे चारे की मात्रा काफ़ी बढ़ाई है। हिंगोनिया गौशाला में जानवरों के 17 डॉक्टर, उनके 32 मददगार, 19,500 से ज्यादा गोवंश की देखभाल करते हैं। बूढ़ी गायें और बछड़ों को गर्मी में हाइड्रेट रखने और हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए उनकी अलग से देखभाल की जाती है।